देश में दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है और सत्ता में बैठी पार्टी यानी भाजपा के नेताओं से अजीबोगरीब बयान सुनने को मिल रहे हैं। आज के वीडियो में एक एक कर भाजपा नेताओं के बयानों पर नजर मारेंगे। इसके अलावा भाजपा नेता राम रतन पायल से जब पत्रकारों ने बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों पर जवाब देने को कहा तो उन्होंने अफगानिस्तान जाने की सलाह दी। लगता है कि देश अपना आजाद हो चुका है अभी भी? नहीं, आपको नहीं लगता तो नहीं बता सकते। महंगाई चरम सीमा पे है अपने। नहीं, तो तालिबान चले जाओ, वहाँ देख लो आपके अफगानिस्तान में। अपने देश की बात कर रहे हैं, 50 रुपए है वहाँ भरवा के लाओ, वहाँ भरवाने वाला कोई नहीं। अपने 111 पर ऊपर बैठे तो है कम से कम। मध्य प्रदेश के भाजपा नेता प्रद्युम्न सिंह तोमर से जब पत्रकारों ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर सवाल किया तो उन्होंने जनता को साइकिल का इस्तेमाल करने को कहा। कि हम सब्जी मंडी जाते हैं तो हम कभी साइकिल से जाते हैं क्या? जो हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रखेगी, हमारे प्रदूषण को कम में मुक्ति दिलाएगी। हमारे लिए पेट्रोल डीजल महत्वपूर्ण है कि हमारे स्वास्थ्य सेवाएं देश की महत्वपूर्ण है। समझ रहे हो ना? महंगाई और आर्थिक सुस्ती के बीच जनता सरकार से राहत की उम्मीद लगाए बैठी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से जब इस मुद्दे पर सवाल हुआ तो उन्होंने तेल की कीमतों को लेकर पिछली यूपीए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। इसके अलावा महंगाई के मुद्दे पर कुछ ऐसे ही बयान सुनने को मिले। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने बयान दिया था कि जवाहरलाल नेहरू के भाषण की वजह से महंगाई बढ़ी है। महंगाई एक दो दिन में नहीं बढ़ती, अर्थव्यवस्थाओं की नींव एक दो दिन में नहीं रखी जाती। 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर से जवाहरलाल नेहरू जी ने जो भाषण दिया था, उसी भाषण की गलती के कारण इस देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है। कृषि मंत्री ने सरसों के तेल की कीमतों की बढ़ती कीमतों पर जवाब दिया कि सरकार ने सरसों के तेल में मिलावट को बंद किया है। सभी तेल नहीं पहुंचे हैं, सरसों के तेल में थोड़ी सी हल्की महंगाई है क्योंकि सरसों के तेल में सरकार ने मिलावट को बंद किया है। ये भारत सरकार का बहुत महत्वपूर्ण फैसला है, इस फैसले का फायदा देश भर के किसानों को होने वाला है। आपने बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर भाजपा के नेताओं के बयान सुने। इन बयानों के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।